औरंगजेब को बाप बताने वाला हिंदुस्तान का नागरिक नहीं हो, तुम्हारी माता की इज्जत में हाथ डालने वाला तुम्हारा बाप हो ये जरूरी नहीं है। और औरंगजेब को बाप बताने वालों को भी ये समझ में आना चाहिए कि भारत की भूमि में आप किसी भी धर्म और मजहब को मानने वाले हो सकते हो, लेकिन औरंगजेब को बाप बताने वाला हिंदुस्तान का नागरिक नहीं हो। याद करो अभी तो हमने थोड़े से चांदनी चौक की बात करी, लेकिन चांदनी चौक में जाके गुरुद्वारा शीशगंज के सामने खड़े होकर महसूस करना उसकी हवाओं को, उस मिट्टी को। भाई सतीदास ने बलिदान दिया, भाई मतीदास ने बलिदान दिया, वीर दयाला ने बलिदान दिया, जाट वीर गोकुला ने बलिदान दिया, गुरु तेग बहादुर ने गर्दन कटा दी लेकिन धर्म परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया। लेकिन इन गर्दनों को काटने का काम किस पापी ने किया? उस पापी का नाम औरंगजेब है। बंदा बैरागी के ऊपर हाथी चढ़ा दिए गए, वीर बंदा बैरागी के ऊपर हाथी चढ़ा के उनको कुचल के मारा गया, ये बाप औरंगजेब ने किया। 46 लाख हिटलर से भी ज्यादा हत्याओं का जिम्मेदार है औरंगजेब, हिटलर से भी ज्यादा हत्याओं का जिम्मेदार। 46 लाख हत्या औरंगजेब के सैनिकों के द्वारा की गई, और जिन लोगों का धर्म परिवर्तन किया भी गया उनमें से आज कुछ औरंगजेब को अपना बाप बता रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, तुम्हारी माता की इज्जत में हाथ डालने वाला तुम्हारा बाप हो ये जरूरी नहीं है। को बाप मानना बंद करो। काशी विश्वनाथ के मंदिर पर हमला करने वाला, श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर हमला करने वाला, जगन्नाथपुरी पर हमला करने वाला, बीजापुर के मंडल पर हमला करने वाला, 64 योगिनी मंदिर पर हमला करने वाला, ऐसा कौन सा गोविंद जी के मंदिर पर हमला करने वाला, ऐसा कौन सा पाप है? 1000 मंदिरों को तोड़ने वाला ऐसा कौन सा पाप है जो औरंगजेब के नाम पर नहीं लिखा हुआ? मैं सभा से पूछना चाहता हूँ, क्या औरंगजेब को बाप बताने वाले भारत के नागरिक हो सकते हैं? क्या भारत के सगे हो सकते हैं? क्या VK News राष्ट्र के नाम।